नमस्कार दोस्त, मेरा नाम आशीष सहगल हुआ और मैं इटावा से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले NDSSC का स्टूडेंट हुआ करता था और नेवी का नाम सुना, मुंबई पवई में नेवी की जॉब करता था, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उस जॉब को छोड़ने के बाद आज के 10 साल पहले दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में आने का मौका मिला, और मौका मिला दोस्तों और अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया। अब प्रूव करने के बाद कुछ ही महीने पीछे दोस्तों हमारे करीब बरेली फ्रेंचाइजी ब्रेसर हमारे पास लॉकडाउन के बाद जस्ट हमसे मुलाकात हुई कि आशीष जी कि आइए एक बार उस कंपनी के बाद एक बार और भरोसा करिए, मिलिए। कोई डिसीजन ऐसा नहीं था कि बदलाव करूं, लेकिन लॉकडाउन के बाद भरोसा करना मजबूरी था। और सर आए, बताए, सिखाए, कुछ भी नहीं सोचा आपसे, किसी से बोला आपसे देखो क्या है कैसा है मुझे पता नहीं है, लेकिन लोग अच्छे हैं, भरोसा कर लो। और दोस्तों भरोसा किया, ब्रेस सर से मीटिंग होने के बाद अमन सर से और ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर सरफराज आलम सर से मीटिंग होने के बाद डिसीजन लिया गया कि अब तो संकल्प के साथ ही दृढ़ संकल्प हो गया है। और दोस्तों लगातार संघर्ष किया गया, संघर्ष करने के बाद कुछ ही समय के अंदर जो बैठक मीटिंग हुई थी आगरा में ही हुई थी, तो परवेश सर ने एक बात पूछी थी और बुलाया भी था, सबको बुलाया था किसका क्या ड्रीम है और अगली बार क्या लेकर के आओगे। मैंने ये बोला था सर जो बैग कंपनी थी उससे बड़ा चेक होगा और लेबल होगा तभी आएंगे। और दोस्तों ये दूसरी RDP है और उससे बड़ा लेबल भी है और उससे बड़ा दोस्तों चेक भी है। और आप जो बैग मन का इनकम था मेरा, क्या जानना चाहेंगे? अब आप नहीं जानना चाहेंगे? तो बैग मन का जो इनकम था बाहर के लिए बड़ा हो सकता है, यहाँ के लिए बिल्कुल छोटा है। जो बैंक मन का इनकम था 99,447 रुपए। थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग भी दिल से काम करिए, मेहनत करिए, भरोसा रखिए अपनी अप्लाइन पे, यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके सारे के सारे ड्रीम पूरे होंगे और लोग तुम्हें कहेगा कि यार बस तो मैं तो सोच रहा था यार ये तो कमाने नहीं लगा। तो लोगों के चक्कर मत पड़िए, लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। तो अपनी अप्लाइन अपनी सीनियर प्लान पे भरोसा रखिए और अपने काम, जो काम आपको मिला उस काम को निरंतर करते रहिए, जो आपको आता है उसको करते रहिए, जो नहीं आता है उसको सीखने का प्रयास करिए। बाकी इन्हीं चंद तत्वों के साथ मैं आशीष सेगर अपनी वाणी को बेंड अप करूंगा। बाकी वेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू दोस्तों।